डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। ये एल्जेब्रा सीरीज की 9th वीडियो है, और अगर आप इन सारी वीडियोस को पार्ट वाइज देखोगे, पार्ट 1, देन पार्ट 2, देन पार्ट 3 एंड सो ऑन, तो ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्स प्लस 1 बाई एक्स और इसकी पावर्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो जब भी आप मेरे वीडियोस को देखो तो आप पेन एंड नोटबुक लेकर बैठ जाया करो, बिकॉज आप नोट्स बना पाओगे। जब भी मैं कंसेप्ट आपको बताता हूँ आप उसको लिख पाओगे अच्छे से। अगर एक बार समझ में ना आए तो आप दोबारा से भी वीडियो को देख सकते हो, तो काफ़ी अच्छे नोट्स बनेंगे। और मेरे क्वेश्चन सोल्व करने से पहले एक बार खुद क्वेश्चन सोल्व कर लेना, तो आप और ज़्यादा बेहतर सीख पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। यह है पहले कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। इफ एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स। तो x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू पूछी है। ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सोल्व करोगे, ये कंसेप्ट है ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का। डिवाइडिंग बाय x, हम x से डिवाइड कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर बाई एक्स, आगे माइनस 3x बाई एक्स एंड आगे 1 बाई एक्स, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाता है, एक्स स्क्वेयर बाई एक्स, एक्स माइनस एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 0। तो बस आपने करना क्या है, इस 3 को उधर भेज दो, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स प्लस 1 बाई एक्स, इस 3 को उधर भेज दिया, ये हो गया 3। तो हमें वैल्यू किस चीज की निकालनी थी, एक्स प्लस 1 बाई एक्स की, एक्स प्लस 1 बाई एक्स की, वो है 3। तो इस चीज को ध्यान रखना, डिवाइडिंग बाई एक्स, जब भी एक्स प्लस 1 बाई एक्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आए या इसकी पावर्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आए। If this expression is equal to 2 by 3, then the value of x plus 1 by x. Again the question is based upon finding x plus 1 by x. तो फिर से हम इस expression के numerator और denominator दोनों को x से divide करेंगे। तो divide करते हैं, पहले numerator को x से divide किया, उसके बाद denominator को x से divide किया। अब यहां पर क्या बनेगा, इसको मैं सोल्व करके सीधा लिखूंगा, उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ जाएगा। एक्स स्क्वेयर बाई एक्स, दैट इज एक्स माइनस 1 प्लस 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर बाई एक्स, दैट इज एक्स प्लस 1 प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 बाई 3। तो हमसे पूछा क्या एग्जामिनर ने, एक्स प्लस 1 बाई एक्स, तो इसको मैं इकट्ठा लिख रहा हूं बस, मीन्स एक्स प्लस 1 बाई एक्स, इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया, बाद में लिख दिया माइनस 1, माइनस 1, नीचे भी एक्स और 1 बाई एक्स, इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया और अलग से लिख दिया प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 2 बाई 3। तो जो चीज हमसे पूछी है एग्जामिनर ने, उसकी वैल्यू मैं कुछ भी अज्यूम कर सकता हूं, मैंने टी अज्यूम कर ली। इट इंप्लाइज दैट t माइनस 1 डिवाइडेड बाय t प्लस 1 इज इक्वल टू 2 बाय 3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो 3 इंटू टी माइनस 1, 3 टी माइनस 3 इज इक्वल टू 2 टी प्लस 2। इस 2 टी को इधर लेके आओ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो 3 टी माइनस 2 टी, टी 3 को उधर लेके जाओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 प्लस 2 5, तो t की वैल्यू है 5। और हमसे पूछी क्या है, x प्लस 1 बाई एक्स, और हमने x प्लस 1 बाई एक्स को ही t अज्यूम किया था, मतलब कि हमारा आंसर क्या है, 5, मीन्स ऑप्शन बी। इफ x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 99, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इस क्वेश्चन के अंदर हम फिर से न्यूमरेटर
और डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड करेंगे, तो न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा 100x बाई एक्स, डिनोमिनेटर में हो जाएगा दिस एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय एक्स, दैट इज इक्वल टू, ऊपर हो जाएगा 100, नीचे हो जाएगा 2x प्लस 102 प्लस 2 अपॉन x। तो फिर से अगर आपने नोट किया 2x और 2 अपॉन x इसी चीज की फॉर्म है, कैसे देखिए, इन दोनों में से मैं 2 कॉमन लेकर इनको पहले लिख रहा हूं, स्टार्टिंग में बस 2 कॉमन ले लिया, तो यहां पर बचेगा x, यहां पर बचेगा 1/x और बाद में लिख दिया 102। तो बस अब आपने करना क्या है, x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू गिवन है, बस इसकी जगह पर 99 सब्स्टिट्यूट करना है जो इसकी वैल्यू है और आंसर आ जाएगा। सो फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर है 100, 2 × 99 दैट इज 198 प्लस 102 दैट इज 100/300 1/3, आंसर इज सी। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट, पावर्स ऑफ एक्स प्लस 1/x, तो ये कुछ इस तरह से है, जैसे एग्जामिनर ने आपको इसकी वैल्यू बता दी और एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया x² + 1/x² इज इक्वल टू व्हाट, आपने जस्ट क्या करना है, इसका स्क्वेयर कर देना है, सिंपल आइडेंटिटी ये वाली। तो इसका मैं स्क्वेयर कर रहा हूं दोनों साइड्स, तो यहां पर हो जाएगा x² + 1/x², आगे हो जाएगा प्लस 2 × a × b इज इक्वल टू 9, तो बिकॉज ये कैंसिल हो जाएगा तो x² + 1/x² विल बी इक्वल टू 9 − 2 = 7, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7। तो बस यही है इसकी पावर्स, या फिर वो क्या कर लेगा एग्जामिनर, एग्जामिनर आपको इसकी वैल्यू पूछ लेगा x³ + 1/x³। तो उस केस में आप क्या करोगे, जस्ट इस एक्सप्रेशन को दोनों साइड्स क्यूबिंग कर दोगे, क्यूबिंग कर लेते हैं, a³ + b³ + 3ab इनटू में क्या होता है a + b, और यहां पर a + b की वैल्यू क्या है 3, दैट इज इक्वल टू 3³ = 27। तो 3 × 3 ये वाली एक्सप्रेशन कितनी है, 3 × 3 = 9, तो बस 9 को मैं उधर भेज रहा हूं, नेगेटिव होएगा ये वहां पर जाके, इट इंप्लाइज दैट x³ + 1/x³ इज इक्वल टू 27 − 9 = 18, सो वो आपका आंसर हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा अगर एग्जामिनर ने आपसे ये पूछ लिया कि x⁵ + 1/x⁵, इस केस में आप क्या करोगे, x² + 1/x² × x³ + 1/x³, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो करके देख लेते हैं, तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 7, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 18, तो 18 × 7 = 126। तो ये जो भी चीज आएगी सॉल्व करके वो 126 के बराबर होगी। तो इसको मैं एक बार आगे थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एक बार तो x² को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x² को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 1/x² को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1/x² को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x² × x³ = x⁵, x² × 1/x³ = 1/x, प्लस 1/x² × x³ = x, प्लस 1/x² × 1/x³ That is 1/x⁵। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है x⁵ + 1/x⁵, और x + 1/x की वैल्यू आपको पता है x + 1/x = 3, तो इसकी वैल्यू यहां पर 3 है,
प्लस थ्री इज इक्वल टू, और इस सारे की वैल्यू क्या थी 126, तो 3 उधर जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 123। अगर एग्जामिनर ने आपसे ये पूछ लिया x रेस्ट टू पावर 4 प्लस 1 बाई x रेस्ट टू पावर 4, तो यहां पर आपने क्या करना है, x स्क्वेयर प्लस 1 बाई x स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर करना है बस, आगे अपने आप सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो पावर्स ऑफ x प्लस 1 बाई x, इसके ऊपर बेस्ड बस ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो अब इन क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। इफ x माइनस 1 बाई x इज इक्वल टू 5, देन x स्क्वेयर प्लस 1 बाई x स्क्वेयर, तो यहां पर पावर को देखकर समझ आ गया होगा कि स्क्वेयर करना है, तो इसका दोनों साइड स्क्वेयर कर दो बस। तो लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वेयर करेंगे तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab इज इक्वल टू 25। अब ये दो उधर जाकर पॉजिटिव होएगा, तो 25 प्लस 2 27, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर इजिकल टू 27, मीन्स ऑप्शन सी। इफ एक्स माइनस 1 बाई एक्स इजिकल टू 4, देन एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू, तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स निकालना है, एक्स माइनस 1 बाई एक्स है, वैसे एक्स प्लस 1 बाई एक्स और एक्स माइनस 1 बाई एक्स, इन दोनों में एक रिलेशन है, क्या कि चाहे a प्लस बी हो या a माइनस बी हो, दोनों का जब स्क्वेयर करते हैं तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर दोनों में ही आता है, बस एक में प्लस 2ab होता है, एक में माइनस 2ab होता है, तो बस यही करते हैं हम, इनके स्क्वेयर के थ्रू ट्रेवल करेंगे। देखिए कैसे, इसको मैं स्क्वेयर कर रहा हूं, इसका स्क्वेयर करोगे तो होएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 2ab इज इक्वल टू 16। एक्स से एक्स कैंसिल, अब ये 2 उधर चला गया, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 18। लेकिन अगर मैं इसका स्क्वेयर करूं तो इसका स्क्वेयर होता है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 2ab, एक्स से एक्स कैंसिल, मतलब प्लस में 2 होता है इसके स्क्वेयर के। अब हमने क्या करना है, बस प्लस में 2 कर दो दोनों साइड, क्यों, क्योंकि प्लस में 2 करने से इसका स्क्वेयर बन जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वेयर, और राइट हैंड साइड को हम लिख सकते हैं 20। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एक्स प्लस 1 बाई एक्स, तो स्क्वेयर रूट कर दो, x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 20, सो द आंसर विल बी 2 रूट 5। 20 को 2 रूट 5 कैसे लिखा, 20 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 5, 4 पांच 20, 4 का रूट तो सोल्व हो सकता है, 4 का रूट सोल्व होके देता है 2, लेकिन 5 का रूट सोल्व नहीं होगा, तो वो रूट के अंदर ही रहेगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। If a square plus b square is equal to 5ab, then the value of this expression. तो जैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं x plus 1 by x के, तो x है और उसका reciprocal है, तो अगर यहां पर गौर से देखोगे कि a by b है, उसका square है, और आगे b by a है, उसका reciprocal है, तो बात तो वही हो गई ना, x square plus 1 by x square, एक नंबर का स्क्वेयर और उसके रेसिप्रोकल का स्क्वेयर, यहां पर भी। तो ये चीज निकालने के लिए हमें चाहिए होता है x प्लस 1 बाई एक्स, तो ये चीज निकालने के लिए हमें चाहिए a बाई बी प्लस बी बाई ए। अब क्या करो, a इंटू बी से उधर ले जाकर इनको डिवाइड कर दो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बाई ए बी इज इक्वल टू 5। इट इंप्लाइज दैट अगर इसको सोल्व करोगे, ए स्क्वेयर बाई ए बी, ए से ए कैंसिल, ए बाई बी प्लस बी स्क्वेयर बाई ए बी, बी से बी कैंसिल, बी बाई ए इक्वल टू 5। और हमने निकालना क्या है, ये है क्या, जस्ट इसका स्क्वेयर है, तो दोनों साइड स्क्वेयर कर दो। इट इंप्लाइज दैट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 a इंटू बी इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 2 उधर जाएगा, ये नेगेटिव का होगा,
तो 25 माइनस 2 आंसर क्या हो जाएगा 23। 2p प्लस 1/p इज इक्वल टू 4 ये बताया हुआ है। द वैल्यू ऑफ पी क्यूब प्लस 1/8 p³ इसकी वैल्यू पूछी है। तो अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो p का क्यूब है और यहां पर 2p का क्यूब है, तो मतलब हमें एक हिसाब से पी प्लस 1/2 p मिल जाए, तो हम इसका क्यूब करके ये चीज ले सकते हैं, हमें पी प्लस 1/2 p चाहिए, लेकिन यहां पर 2p प्लस 1/p है। तो अगर मैं इस चीज को डिवाइड कर दूं दो से, दो से इधर और इधर भी दो से डिवाइड होगा और इधर भी, मतलब मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड दो से डिवाइड कर दिया, तो यहां पर क्या बन जाएगा 2p/2p प्लस 1/2p इज इक्वल टू 2। तो वही चीज आ गई। तो अब जस्ट क्या करना है, इसका क्यूब कर दो, कोई बड़ी बात नहीं, दोनों साइड क्यूब कर दो। तो क्यूबिंग बोथ साइड्स, a³ प्लस b³ प्लस 3a इंटू बी इंटू ए प्लस बी, यहां पर ए प्लस बी होता है, तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब 8। तो पी से पी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 उधर जाएगा तो हो जाएगा नेगेटिव का, तो 8 माइनस 3 5, और हमने जिस चीज की वैल्यू निकालनी है वही है ये, तो 5 मींस ऑप्शन बी। इफ 4b² प्लस 1/b² इज इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ 8b³ प्लस 1/p³। तो यहां पर देखने से पता चलेगा ये है 2b³ प्लस 1/b³। मतलब हमें अगर 2b प्लस 1/b मिल जाए तो हम क्यूब करके ये निकाल लेंगे, 2b+1/b ये चाहिए, लेकिन यहां पर देखने से आपको लगेगा 2b² 1/b² उसका स्क्वेयर गिवन है। तो चलो एक बार देखते हैं, 2b+1/b का अगर मैं स्क्वेयर करूं तो क्या मिलता है, a² + b² प्लस 2ab 2 × 2 = 4। तो 2b+1/b का होल स्क्वायर क्या होता है, 4b² + 1/b² + 4। 4 भी होता है लेकिन यहां पर 4 नहीं है, तो दोनों साइड 4 ऐड कर दो, 4b² + 1/b² + 4 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड भी 4 ऐड किया तो 6। 4 क्यों ऐड किया, क्योंकि अब लेफ्ट हैंड साइड बन गई 2b+1/b का होल स्क्वेयर, लेफ्ट हैंड साइड ये बन गई 4 ऐड करने से, बिकॉज ये चीज इसके इक्वल है। तो अब मैं निकाल सकता हूं दोनों साइड स्क्वेयर रूट करके 2b+1/b की वैल्यू √6। ये मैंने क्यों निकालनी थी, बिकॉज अगर एक बार ये पता लग जाए तो इसका क्यूब करके जो भी चीज एग्जामिनर को चाहिए वो हम बता सकते हैं। अब मैं इसका क्यूब करूंगा दोनों साइड्स, तो आइए क्यूब करते हैं, a³ दैट इज 8b³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a+b, a+b क्या है √6, और √6 का क्यूब होता है 6√6। तो b से b कैंसिल, तो 3 × 2 = 6। फिर से एक बार लिख लेते हैं, 8b³ + 1/b³ यहां पर हो गया 6√6 इज इक्वल टू 6√6। तो दोनों साइड से कैंसिल, यहां पर सिर्फ 0 बच गया। तो जो भी चीज एग्जामिनर ने आपसे पूछी है उसकी वैल्यू है 0, मींस ए ऑप्शन आंसर होगा। इफ a² - 4a - 1 इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो यहां पर अगर आप देखोगे a² + 1/a² और 3a - 3/a, ये दो पोर्शंस में क्वेश्चन को हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर हमें a+1/a की वैल्यू मिल जाए, इसकी वैल्यू मिल जाए, तो आप ये फर्स्ट पोर्शन निकाल सकते हो
उसका स्क्वेयर करके। और सेकंड पोर्शन क्या है, सेकंड पोर्शन है 3 कॉमन लेने पर a माइनस वन बाई ए, ए माइनस वन बाई ए, ए प्लस वन बाई ए नहीं, ए माइनस वन बाई ए की वैल्यू अगर आपको मिल जाए तो ये काम भी बन जाएगा, पोर्शन टू भी और पोर्शन वन भी बन ही जाएगा, बिकॉज इसका और इसका दोनों का स्क्वेयर पॉजिटिव, दोनों के स्क्वेयर के अंदर ए स्क्वेयर प्लस वन बाई ए स्क्वेयर आएगा ही। तो मतलब हमें ए माइनस वन बाई ए चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इस एक्सप्रेशन को दोनों साइड ए से डिवाइड कर दो। फर्स्ट वाले को मैं ए से डिवाइड कर रहा हूं, ए स्क्वेयर बाई ए ए, माइनस फोर ए बाई ए फोर, माइनस वन बाई ए इज इक्वल टू जीरो। इस फोर को मैं उधर भेज रहा हूं, ए माइनस वन बाई ए इज इक्वल टू फोर। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं, ए माइनस वन बाई ए मिल गया, इसका स्क्वेयर कर दो जस्ट, ए स्क्वेयर प्लस वन बाई ए स्क्वेयर माइनस टू ए बी इज इक्वल टू 16, फोर का स्क्वेयर 16। तो इस टू को उधर भेज दिया, तो ए स्क्वेयर प्लस वन बाई ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 18। तो देखिए ए स्क्वेयर प्लस वन बाई ए स्क्वेयर, इसकी वैल्यू है 18, फर्स्ट पोर्शन की वैल्यू है 18, सेकेंड पोर्शन क्या है 3 इंटू ए माइनस वन बाई ए, तो ए माइनस वन बाई ए की वैल्यू क्या है 4, तो 3 इंटू 4 तीन चौके 12, 18 प्लस 12 आंसर हो जाएगा 30, मींस बी आंसर होगा। इफ x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 1 बाई 3, देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। अगर हमें x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू मिल जाए तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब भी निकाल ही लेंगे क्यूब करके। तो बस अब आप क्या करो, यहां पर ऊपर और नीचे x से डिवाइड कर दो, जैसे कंसेप्ट हम कर रहे थे। ऊपर मैं x से डिवाइड करूंगा तो x बाई एक्स 1 डिवाइडेड बाई, नीचे भी मैं x से डिवाइड कर रहा हूं डिनोमिनेटर को भी, एक्स स्क्वेयर बाई एक्स दैट इज x माइनस 2x बाई एक्स 2 प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 3। इट इंप्लाइज दैट 1 बाय इस 1 प्लस, इसको मैं उधर लिख रहा हूं उसके साथ, x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 1 बाई 3। तो जो भी चीज आपने निकालनी है, एक काम तो ये कर सकते हो, देखो हिट एंड ट्रायल मेथड है, लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 है, राइट हैंड साइड में भी 1 है न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर दोनों के बराबर हैं तो डिनोमिनेटर भी बराबर ही होंगे बिकॉज दोनों एक्सप्रेशन इक्वल हैं। तो किस चीज में से 2 घटाऊं कि 3 आए, मतलब 5। तो मतलब x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या है 5, मीन्स x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 5। तो बस अब इसका क्यूब कर दो, x क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी की वैल्यू क्या है 5 इज इक्वल टू 5 का क्यूब 125। इट इंप्लाइज दैट एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब 3 पांचे 15 को मैं इधर भेजूंगा तो नेगेटिव का होगा, तो 125 माइनस 15 110। तो जिस भी चीज की वैल्यू निकालनी थी उसकी वैल्यू है 110। अगर आपको ऐसे डायरेक्टली ना स्ट्राइक करे तो आप इसको टी अज्यूम कर सकते हो, जो भी चीज हमने निकालनी है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो तो भी इसकी वैल्यू आ जाएगी। इफ x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 5 देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो यहां पर अब आप क्या करोगे, देखो सपोज ऐसे क्वेश्चंस में हम x से डिवाइड करते हैं, अगर मैं डिनोमिनेटर को x से डिवाइड करूं इसको, तो x 4 प्लस 1 अगर मैं इसको x से डिवाइड करूं तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स, तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स बन गया ना, पावर्स तो सेम होती हैं इन दोनों चीजों की। तो अब आप x से डिवाइड नहीं करोगे, अब की बार आप एक्स स्क्वेयर से डिवाइड करोगे, कभी कभी एक्स क्यूब से डिवाइड करना होता है, वो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद जान पाओगे इसलिए। तो अब मैं ऊपर और नीचे एक्स स्क्वेयर से डिवाइड करूंगा, एक्स रेस्ट पावर 2 से,
तो कंसंट्रेट करना, मैं डिवाइड कर रहा हूँ एक्स रेस टू पावर फोर डिवाइडेड बाई, सारे को मैं डिवाइड कर रहा हूँ एक्स स्क्वेयर से, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर, तो मिलेगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3x³ / x² दैट इज 3x प्लस 5x² / x² 5 प्लस 3x / x² 3x प्लस 1x² डिवाइडेड बाय, इसको भी एक्स स्क्वेयर से डिवाइड कर रहे हैं, x² / x² प्लस 1x² तो अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1x² इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें एक्स प्लस 1x पता है। और अगर इन दोनों को पेयर करो तो ये कैसे दिखेंगे ये बताता हूँ। देखो इन दोनों को अगर पेयर करो और तीन कॉमन ले लो तो एक्स प्लस 1x ऐसे बन जाएंगे ये दोनों, ये और ये। तो चलो इसको लिखते हैं हम इकट्ठा, एक्स स्क्वेयर प्लस 1x² इन दोनों को इकट्ठा लिखा, आगे मैंने तीन कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस 1x और पांच को बाद में लिखा और नीचे है एक्स स्क्वेयर प्लस 1x². तो एक्स प्लस 1x की वैल्यू हमें पता है दैट इज 5, तो दोनों साइड स्क्वेयर कर दीजिए, एक्स स्क्वेयर प्लस 1x² प्लस 2ab इक्वल टू 25। एक्स स्क्वेयर प्लस 1x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 - 2 23, तो बस वो वैल्यूज यहां पर रख रहा हूं मैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 1x² 23 प्लस एक्स प्लस 1x की वैल्यू है 5, तो 3 × 5 = 15 प्लस 5 डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू है 23, तो ये क्या हो जाएगा 15 और 5 = 20 और 23 / 23, मतलब यहां पर आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। इफ एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 1 एंड ए माइनस बी प्लस 5 इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखो हमें निकालनी है एक्स माइनस 1 का होल क्यूब माइनस एक्स माइनस ए का होल क्यूब, इसकी वैल्यू। तो अगर आपको एक्स माइनस ए माइनस 1 / x - a की वैल्यू मिल जाए तो उसको क्यूब करके ये निकाल लेंगे, ठीक है हम ये निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि एक कंडीशन गिवन है, तो जब भी कंडीशंस गिवन हो तो उनको हम जल्दी सॉल्व करने के लिए अपने भले के लिए भी यूज कर सकते हैं। कैसे, अगर आप ए की वैल्यू 0 रख दो तो बी की भी कोई ना कोई वैल्यू तो होगी ना, तो बी की वो वैल्यू हम निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं ए की वैल्यू 0 रख सकता हूँ, ए की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं आंसर आ सकता है, लेकिन मैं 0 रखूंगा। क्यों रखूंगा, बिकॉज अगर ए की वैल्यू 0 रख दी तो जो चीज हमने निकालनी है वो बन जाएगी ए की वैल्यू 0 रखने से x³ - 1/x³, मतलब हमें सिर्फ इतना निकालना पड़ेगा ए की वैल्यू 0 रखने से। और ये कैसे आ जाएगा, एक्स माइनस 1/x निकालने से, तो मैंने ए की वैल्यू 0 रख दी तो ए इज 0, तो -b + 5 इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b को उधर भेजो, b हो जाएगा पॉजिटिव, तो b उधर गया, b b इज इक्वल टू 5, तो b की वैल्यू हो गई 5। तो अब बस a की वैल्यू और b की वैल्यू यहां पर रख दो, यहां पर तो x माइनस 0 x इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 1, इस x को मैं उधर भेज रहा हूं नीचे, इट इंप्लाइज दैट x माइनस 5 इज इक्वल टू 1/x, इस 1/x को मैं पास लेके आ रहा हूँ, इट इम्प्लाइज दैट इधर पास, ये नेगेटिव हो जाएगा, एक्स माइनस 1/x इज इक्वल टू 5, इस 5 को उधर भेज दिया, तो हमें एक्स माइनस 1/x की वैल्यू पता लग गई। और निकालनी क्या है, x³ - 1/x³ की वैल्यू, सिंपली क्यूब इट बोथ साइड्स, a³ - b³ - 3ab इंटू ए माइनस बी, और ए माइनस बी की वैल्यू है 5, दैट इज इक्वल टू 125। एक्स से एक्स कैंसल, इट इंप्लाइज दैट x³ - 1/x³, ये 3 × 5 = 15, इस 15 को मैं उधर भेज रहा हूं, ये पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 140। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इस कंसेप्ट के इतने इक्वेशन काफी हैं,
आपको कंसेप्ट सिखाने के लिए, अगर प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक से डाउनलोड कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे जरूर जरूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। बाय बाय।